मैंने घर लौटते समय एक डिसीजन लिया, मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मिस्टर शेन, मिस्टर यौन, जैक, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। मैं चाहता हूँ अब सब खत्म करो ये जबरदस्ती वाली शादी। मिस्टर यौन, मुझे समझाने दो। तुम बार बार यहाँ मेरी बीवी को ले जाने आते हो, जिसकी वजह से ये मुझे और प्यारी लगने लगती है। एक नया मास्क है जो तुम्हारे लिए मंगवाया, जो अभी तक पहुंचा नहीं। तुमने दोबारा क्यों काटा मुझे? मिस्टर शेन, तुम्हें मेरी बीवी काफी पसंद है, लेकिन आज के बाद उसे दोबारा तंग मत करना। जैक, जिया की सुरक्षा और खुशी मेरी भी जिम्मेदारी है। तुम्हें यहां आकर दिखावा करने की जरूरत नहीं। हे मिस्टर शेन, वैसे तुम अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मेरी बीवी है। इस तरह मत करो मिस्टर शेन, सॉरी, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी करी इससे, समझ गए ना? गुस्सा मत करो, तुम सुबह जल्दी जाकर रात को लेट आती हो, मैंने सोचा तुम बिजी होती होंगी। आज वो एक हादसा था, कुछ बनाकर लाती हूँ। भूल जाओ, तुम बहुत खतरनाक हो, शायद तुम खाने में जहर मिला दो। उठ जाओ टिया, मैं जैक और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी के लिए खाना बनाया। मैं थक गई हूं, मुझे नहीं खाना। कहाँ जा रहे हो? देखो जाके। सुनो, वो किचन है, वहां नहीं जा सकते। टिया, किसी ने कंप्लेन किया है कि तुम पुरानी क्रीम यूज कर रही हो, और इसे डिसर्ट की शेयर होल्डर के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हो ही नहीं सकता, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सही में ये पुराना क्रीम है। तो टिया, अब क्या कहना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अच्छे से देखा था। टिया, तुम्हारी नौकरी गई, बाद में कंपनी तुम्हें देख लेगी। मेरे पास परमिशन है सीसीटीवी देखने के लिए उस वाले दुकान की। कल की सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। ऐसा है क्या? मुझे माफ करता हूं, ये मेरा प्राइवेट बिजनेस है, अगर वो मेरे लिए नहीं था, तंगरन मुझे भी निशाना नहीं बनाएगा। ये गाड़ी, ये रुकी थी कल वहां पर, ये मेरे पास का रास्ता है, ये कार कोडर। अगर कोई अंदर या बाहर जाएगा दुकान के, तो हो सकता है उनके फोटो आए। हेलो, जितनी भी गाड़ी कल दुकान के बाहर खड़ी थी उसके मालिक के बारे में पता करो अभी। मिस्टर शेन। जिया, तुम्हारी यह हरकत तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए इनफ है, समझ गई? मिस्टर शेन, मैं नहीं, मुझे किसी ने कहा था ऐसा करने के लिए।
मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, सच में मिस्टर शीन। जो भी हुआ इस बार वो नहीं भूल सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस उस वीडियो को फिर से बनाने से क्या साबित होने वाला है? हाँ, अगर तुम्हें कुछ साबित करना है तो पुलिस को बुला लो। प्रेसिडेंट टैंग, इसमें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, आप ये सब भूल क्यों नहीं जाते? चुप करो। तुम ऐसे लोगों को काम पर रखते हो? तुम्हें क्या दुकान के लिए खर्चा चाहिए? प्रेसिडेंट टैंग, तुम सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना? मैं गलत थी। तुम मुझे पहले की तरह माफ कर दोगे? जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, इसके साथ कैसे रहेगा? तुम दोनों जो चाहे कर सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैंने कहा ना, रुक जाओ। सुनो प्लीज, मेरी बात मान लो। मुझे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। मुझे मत छोड़ो। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें और नहीं सह सकता। तो तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी शादी बर्बाद करी, मेरे परिवार को उजाड़ा, सब तुम्हारी वजह से। हटो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं। मिस्टर शीन, मैं सिर्फ आपके और दुकान के मैनेजर के साथ ही हूँ। तुम जा सकती हो। याद रखना, तुम्हें अभी नहीं छोड़ा है। और क्या करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ जी मैनेजर, मैं जाती हूँ, आप दोनों बात कीजिए। जिया, मैं करता हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर शेन, मैं खुद कर लूंगी। तुम काफी थकी हो, मैं कर लूंगा। जैक, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, तुम काफी ज्यादा सोचती हो। शेन, अब वक्त आ गया तुम्हें सीरियस लेने का। सुनो टिया, काफी लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इट्स ओके। टिया, यहां से निकल चलते हैं, मैं तुम्हें फ्रांस ले जाऊंगा, वहां पर भी मेरा एक अपना दुकान है। मिस्टर शेन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर मेरी जिंदगी है, मेरा घर है। मिस्टर शेन, कोई किसी की बीवी को कैसे चुरा सकता है, बताओ मुझे। तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिससे मैं मिला हूं। मिस्टर यौन,
मिस्टर योन, मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी। तुम क्यों मुझ पर यकीन नहीं करते? यकीन, पति पत्नी के बीच यकीन का होना एक बेहुदा मजाक है। हद हो तुम, जब कोई विश्वास नहीं है तो प्यार कहां से आता है? मुझे ऐसे प्यार पर भरोसा नहीं जिसके बारे में तुम कह सकती हो। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं अपनी बीवी के साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं, कुछ भी। तुम मेरे पति हो, इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। तुम ऐसे कर क्या रही हो? काम करने जा रही हूं। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मत जाओ। आर्टिकल 25, क्या फिर से याद दिलाना पड़ेगा? टिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुमने कहा तुम्हें नाश्ता चाहिए, पर तुमने ये नहीं बताया तुम्हें क्या खाना है। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। भूल जाओ और मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कहाँ ना? खाना खाने के लिए। कहाँ? कहाँ होगा ना? यहाँ का डेकोरेशन तुम्हें पसंद आया? मैंने रेस्टोरेंट खरीदा है, तुम यहाँ आगे जाके कुछ भी ले सकती हो, बल्कि तुम यहाँ से कुछ भी ले सकती हो। बात रही शेंग की, तुम उसके यहां काम करना छोड़ सकती हो? आखिर कब तक काम करोगी? एक छोटी सी दुकान में मैनेजर बनके, अगर तुम्हें पसंद है तो दुकान भी खरीद लूंगा। बोलो तुम, एक बार बोलो तुम। मिस्टर योन, क्या तुम कभी दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते? टिया, क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब, दूसरों की इज्जत करना सीखो मिस्टर योन, हमेशा मेरी जिंदगी कंट्रोल मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी जगह काम करो, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता, उस फालतू दुकान में तुम्हें क्या पसंद आ गया? मैंने देखा तुम्हें, तुम वहां जाके शीन से मिलती हो। मैंने कहा तुम्हें, मुझे मिस्टर शीन से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना है। तुम्हारी माँ ने 4 करोड़ रुपए लिए मेरे परिवार से, अब तुम बताओ क्या मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ काम के लिए उन्होंने उधार लिया, मैं वो सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। दिया, टिया, तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम रो रही हो, क्या जैक की वजह से? बताओ मुझे, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मिस्टर शीन, उम्मीद करती हूं हमारे बीच थोड़ी दूरी बन के रहे, सिर्फ एक दोस्त की तरह। अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। अभी मुझे काम है, आती हूं। जैक, मुझे तुमसे एक बार मिलना है। शुरू हो जाओ, बताओ कितना चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है मेरे पास कम पैसे हैं? जैक, तुम काफी बेकार हो, मेरी उम्मीद से ज्यादा। अच्छा, तुम्हें नहीं चाहिए पैसा? तुम्हें सच में नहीं चाहिए? फिर तुम्हें सच में चाहिए क्या? जैक, मैंने सोचा आज हम दोनों को आमने सामने बात कर ही लेना चाहिए, ऐसा लगा मैंने तुम्हें कम समझा। मैंने सोचा
एक इंग्लिश टीचर जो दुकान चलाता है वो सच में अच्छा इंसान होगा, लेकिन मेरी वो गलतफहमी थी। टिया तुम्हारी कोई सामान की तरह नहीं है, उसके पास खुद हक है कि किसके साथ वो दोस्ती करेगी। किस तरीके के दोस्त हो तुम? तुम्हारी लड़ाई हुई है ना, तुमने फिर से टिया को रुलाया, तो शुक्रिया तुम्हें। उसके आंसू सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बीच आ रहा हूं, तुम गलत हो जाएक, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जानते हो कि टिया तुम्हारे साथ रहती है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहती। ये सब बकवास है। तुम थोड़ा परेशान हो, तुम खुदगर्ज हो, तुम उसे नहीं समझते और उसके साथ कैसे भी पेश आते हो। वो टिया नहीं हीरा है, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देती। और तुम जब भी वो काम से थक कर जाती है फिर से जाके परेशान होती है, तुम बस अपना गुस्सा निकालते हो उस पर, अपने आप की बड़ाई करते हो, दिखावा, गुस्सा उस पर। हो ही नहीं सकता कि टिया तुम जैसे को पसंद करे, वो जब भी तुम्हें देखती है वो थकी हुई महसूस करती है, तुम्हें एहसास नहीं होता, उसे तो बस अपनी मां की मदद करनी थी और तुम ही तरीका थे सौदे की शादी। जैक, अगर तुम उसे पसंद भी करते हो तब भी उसका ख्याल नहीं रख सकते, तुम उसे कभी खुशी नहीं दे सकते। जैक, वो तुमसे प्यार नहीं करती, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे जाने दो। टिया, मुझे बात करनी है तुमसे। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टिया, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? हाँ, सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम खुदगर्ज हो, चिड़चिड़े हो, झूठे हो। टिया, डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने पहले भी समझा, मैंने कहा डिवोर्स ले लेते हैं, और मुझे कोई पैसा भी नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हें अचानक डिवोर्स क्यों लेना है? तुम्हें ये हमेशा से चाहिए था ना। मैं कल अपने लॉयर को बुलाता हूँ, तुम्हें एग्रीमेंट दूंगा और डिवोर्स ले लेते हैं। मिस्टर यॉन, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम सही थी। गोल्ड फिश बनाने का मन करता है, पानी और घास के बीच तैरने में खुशी मिलती है, बिना कोई टेंशन के, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कभी कभार मुझे अजीब भी लगता है कि उनकी कोई मंजिल ही नहीं है। लेकिन सबसे जवान जो परिवार के सदस्य भी रात के समय का ऑफर नहीं ठुकराते। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं आ गई। वाटर और हाँ, एक ब्लू लवर। असल में मैं यहाँ आई क्योंकि मैं एक उलझन में हूँ। मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन तुमने टिया को जरूर खो दिया। तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं किस तरीके का इंसान हूँ? वो मिस टिया तुम्हें जैसे डाउट में डाल सकती है। लगता है मैं उलझन में हूँ। बकवास मत करो। मैंने किसी को भेजा था उस दिन,
लेकिन तब पता चला कि मैं कहीं फंस चुकी हूं। अब मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए, हाँ टिया को, कि उसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। उस लड़की को मेरी कमजोरी मत बनाओ। यौन, तुम हमेशा जानते हो कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ परेशान हो। क्या एक औरत को ही हमेशा खुद को बदलना पड़ता है? बाय, ख्याल रखना। दुकान की मालकिन, वो औरत वहां है, वो अगर उसने तुम्हें वापस करोड़ रुपए दिए तो ले लेना, मना मत करना। अगर आज तुम्हारे यहाँ आने का मतलब ये है कि मैं मिस्टर यौन को छोड़ दूं, तो तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम अलग हो चुके हैं। अरे टिया, तुम यौन की तरह ही हो, पागल और प्यारी भी। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं आज घर जा रही हूँ, जाने से पहले मुझे एक दुकान वाले से बात करके उससे कुछ पैसे लेने हैं। सुनो, ये यहाँ के मैनेजर है, ना कि कोई दुकानदार। टिया, कभी कभी लोग अपनी चाहत के लिए लड़ते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। अलविदा मालकिन जी। रुको, कि अपना सामान वापस लेकर जाओ। अब से तुम्हारी दवा तुम सिर्फ आपस में ही होंगे। तो फिर मुझे बताओ, अपना प्लान, हमारी शादी के पीछे का सच क्या है? क्या तुम्हें अंकल जोई के बारे में याद है? अंकल जोई, वो तो मर चुके हैं ना, जब मैं छोटा था। ये वही है अंकल जोई। ये कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये वही अंकल जियो है और ये उनकी बेटी है। आज से 20 साल पहले एक कंपनी हम लोगों को बिजनेस में टक्कर दे रही थी। उस कंपनी का फाउंडर अंकल जोई था। ये साल ऐसा है जिसमें पैसों की काफी दिक्कत हो रही थी, काफी बिजनेस वालों को नुकसान हुआ। जोई अंकल भी उनमें से एक है। उसको हमेशा लगा कि मेरा हाथ है उसके पीछे, जिसने उसके बिजनेस को डुबा दिया, इसलिए उसने तुम्हें किडनैप किया। और जब तुम्हें निकाला गया, तुम काफी बीमार पड़ गए, काफी चीजें तुम भूल गए। मैं पुलिस को कॉल करने से डर रहा था, इसीलिए मैंने काफी पैसे इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। पापा, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें बचपन में क्या सिखाया? ये लो पैसे, गिन लो चाहो तो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। फालतू बकवास, चू चांगमिंग, तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फेंका हुआ पैसा लूंगा? अपने परिवार को खोने का दर्द जानते हो तुम्हें नहीं एहसास होगा।
जाने दो उसे, उसे जाने दो। जैक, जैक, क्या तुम ठीक हो? यौन को मैंने अपने हाथों से सिखाया था। रिटायरमेंट के बाद उसने ही मेरी मदद की थी मेरे बिजनेस में। अच्छे तरकीब से, हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ ही था। लॉ को मरने से पहले उसने मुझे अपनी बीबी और बच्चों का ध्यान रखने को कहा। मैंने वादा किया था, लेकिन जल्दी ही उसकी बीबी बीमार पड़ गई थी। लेकिन अपनी बेटी को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरी वजह से उसने किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं तो सिर्फ पिया को छुपकर बड़े होते हुए देखा। उसकी माँ किस तरह की इंसान थी पता है तुम्हें? वो अपनी बेटी को बेचना चाहती थी। मैं वैसे परिवार में टिया को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए तो 4 करोड़ रुपये देकर मैंने इसकी शादी को अरेंज कर दिया। मैंने छुपकर टिया को देखना शुरू कर दिया। मुझे पता थी उसकी हर बात, इसलिए तुम्हारी मैंने शादी करवाई। जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो तुम्हारे आने से पहले मैंने टिया को बुलाया, मैंने तुम्हें और सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। तुम मेरे रेस्टोरेंट में तो नहीं जा रही। आज हम साथ में आए इसका हल निकालने के लिए। तुम अपने काम से काम रखो। असल में मैं तुम्हें इस वक्त बुलाया क्योंकि मुझे अंकल जोई का एक लेटर मिला था। हमारे पापा ने मुझे बुलाया है। हमारे पापा? तुम्हें किसने हक दिया ये कहने को? वो जेल के बाहर है। क्या तुम बेवकूफ लड़की हो? तुम सही में खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती हो? ए रुको, मैंने सुना भाई तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं। तुम यहाँ वापस कुछ कहने तो नहीं आई है ना? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या बहरी हो तुम? नैन्सी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कोई बच्ची नहीं हो, क्या अपना बचपना बंद करोगी? तुम कौन होती हो मुझे बच्ची कहने वाली? अब मेरा वक्त है तुम्हें मारने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें कहा देखा है? क्या तुम चू चेमिंग की बेटी हो? मैं नैन्सी। क्या हुआ, कौन हो तुम? क्या तुम्हें भी कोई सबक सीखना है फालतू के आदमी? नैन्सी रुको। कहाँ पर? अच्छा उसकी बेटी हो, चलो मेरे साथ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, जाने दो। नैन्सी भागो, नैन्सी तुम जाओ। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? अच्छा जो चौमिंग की बहू हो, हे मेरे साथ चलो। टिया को किसी ने किडनैप किया है। क्या भाई के साथ हो? प्लीज आके हमें बचा लीजिए। कहाँ पर? रेस्टोरेंट के थोड़ा पास ही। डैड पुलिस को बोलो। कहाँ जा रहे हो? मुझे सिग्नल को ट्रेस करना है टिया के फोन से। मिस्टर यॉन, यहाँ मत रुको, ये जगह मछली से भरी है। तुम परेशान मत हो रिया, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आर्टिकल 27 के मुताबिक पति अपनी पत्नी के फोन में ट्रैकिंग चिप डाल सकता है, समझ गए?
मिस्टर योन, पीछे देखो। उस साल मैंने तुम्हें नहीं मारा था, लेकिन अब तुम खुद को फंसा रहे हो। क्या तुम्हें चूसे कुछ लाभ हो रहा है क्या? क्या तुम इनकी वजह से खुद की जान दोगी? वो मेरा पति है। पति प्यार के लिए? बढ़िया, मैं दोनों को साथ में मारूंगा। दिया, मिस्टर यार, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, तुम मुझे अकेले बचाने कैसे आ सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगा आने से? मैं हमेशा से तुम्हें कभी बचा नहीं पाया। शेन सही था, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं। किस बारे में कह रहे हो तुम? मिस्टर यॉन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। टिया, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। मिस्टर यॉन, उठ जाओ। मिस्टर यॉन, आर्टिकल 28 के मुताबिक कोई भी पति पत्नी किसी की परमिशन के बिना कोई अकेला नहीं हो सकता। तुमने पति और पत्नी के नियम बनाए, मैं मानूंगी सारे नियम। उठ जाओ मिस्टर यॉन। मिस्टर यॉन, आंखें खोलो। मिस्टर यॉन, मिस्टर यॉन, जाग जाओ। तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने कहा था मेरी रक्षा करोगे। तुमने मुझे हक किया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। मिस्टर यॉन, उठ गए तुम? कोई मेरे कान में कुछ कह रहा था, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, मुझे एक बात और कहनी है तुमसे। अभी मुझे किसी और को नहीं देखना, बैठ जाओ। पास आओ। हाँ? अपने जूते निकालो और मेरे पास बैठ जाओ। पास आओ मेरे। मिस्टर यॉन, तुम आर्टिकल 29 पति पत्नी का नियम, पत्नी अपने पति के बिस्तर पर कभी भी आ सकती है। मुझे अपना हाथ दो। टिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल। आर्टिकल 101 पति पत्नी का नियम, पत्नी जब चाहे अपने पति को गुदगुदी कर सकती है। कहीं खुजली हो रही है तुम्हें? मैं खुजा दूं? हाँ, पूरे शरीर में हो रही है। मिस्टर यॉन, मुझे घर जाना है, यहाँ काफी परेशानी हो रही है। अच्छा, वैसे तुमने मछलियों को खाना खिलाया घर पर? ओ मेरी जान, मैं भूल गई थी। टिया, तुम और अच्छी बन सकती हो क्या? मुझे अब उठना चाहिए। नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो मेरा इलाज नहीं कर सकते। मिस्टर यॉन,
हॉस्पिटल में आवाज मत करो। अच्छा वैसे वो दोनों गोल्डफिश, ऐसा लग रहा है तुम भी आ गए वहां पर। टिया मुझे लगता है तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मैं तुम्हें सिर्फ सताना नहीं चाहती हूँ, हमेशा परेशान करूंगी पूरी जिंदगी।